गांव मारवाकला में बने जोहड़ में नहाने गए 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत। पास के खेतों में काम कर रही महिला ने परिजनों को दी सूचना। जोहड़ में नहाने गए 14 वर्षीय बच्चे टिंकू की डूबने से हुई मौत। लोगों ने उसे डूबता देख बचाने की कोशिश, लेकिन उसका पता नहीं लग पाया। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बिलासपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने उसे पानी में तलाशना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद भी उसका पता नहीं लग पाया। बाद में SDRF की टीम और गोताखोरों को बुलाया गया। टीम ने रेस्क्यू चलाया, लेकिन अंधेरा होने पर उन्हें कल शाम रेस्क्यू बंद करना पड़ा। सुबह फिर रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू कर टिंकू की बॉडी को निकाला गया। गांव वासियों ने बताया कि वह साथियों के साथ नहाने गया था। नहाते हुए बीच में चला गया, जहां पानी अधिक होने के कारण बाहर नहीं निकल पाया और पानी में डूब गया। इसके चलते पास के खेतों में काम कर रही महिलाओं ने तुरंत उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने टिंकू को खोजना शुरू कर दिया। पंचायत ने जोड़ करवाया था, तो ये नदी में थी, तो ये आपके गांव मारवाकला का एरिया, उसके चारों तरफ मारवाकला का एरिया लगता है। लेकिन लेकिन मोजा जो उसका है ना, हमारे गांव के पास ही लगता है बिल्कुल। उसके वहां जाने से ना ये बच्चे, बरसात होगी, बरसात में उसमें पानी आ गया, बरसात में नहाने चले गए। जो बच्चा कल डूबा था कोई 3-4 के आसपास, तो 5 बजे से 4:30-5 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ गुप्तागुरु के चला जी, जबकि रात 8 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। पानी ज़्यादा होने की वजह से सही तरह से नहीं सर्च हो पाया, तो आज जैसे ही सुबह सर्च किया, कुछ ही समय में जो है लड़के की डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हो गई। कितने साल? कोई 12-13 साल का बता रहे हैं। 10वीं क्लास में पढ़ता है। 15 साल। कैसे डूबा था ये? 15 साल कैसे डूबा? ये नहाने के लिए वो कुछ आए थे बच्चे घूमने के लिए, खेत खाते में कुछ जा रहे थे, ऊपर फिसलने से कुछ ऐसा बता रहे हैं। ये SDRF के साथ ही, मैं गोताखोर नगर निगम से, हमारे दो गोताखोर आए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।